कि ऐसे कामगार ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही जीविकोपार्जन की अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की गतिविधियों को निकट भविष्य में सतत प्रक्रिया के तहत जारी रखते हुए अभियान को एक सशक्त आधार के रूप में स्थापित करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए आयाम खुल सकें। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मार, रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। रियासत में मिशन शक्ति अभियान के तहत 1535 थानों महिला हेल्प डेस्क की हुई शुरुआत। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत की बेटियों और बहनों के तहफ्फुज़ के साथ उन्हें खुद मुनहसिर बनाने पर भी दी जाएगी तवज्जो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में इंतखाबी रैली से किया खिताब, कहा बिहार भारत का वकार है, तरक्की की तरफ तेजी से बढ़ रहे बिहार को अब कोई नहीं कहेगा बीमार रियासत। सरकारी सानवी स्कूलों में एलटी ग्रेड की 9 मुंतखब 3,317 टीचरों को ऑनलाइन दिया गया तकर्रीनामा, मुतबादिल की बुनियाद पर स्कूलों का किया गया अलॉटमेंट। और नवरात्र के मुकद्दस मौके पर रियासत भर में रामलीला और देवी पूजन पंडालों मुनक्किद किए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्राम, कोविड-19 के जाब्तों पर भी किया जा रहा है अमल। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो, खबरें तफसील से। मुल्क भर में शारदीय नवरात्र मनाए जा रहे हैं, इस दौरान सरकार ख्वातीन को बाख्तियार बनाने पर भी काफी तवज्जो दे रही है। रियासती सरकार ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में मिशन शक्ति की शुरुआत की थी, अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान के तहत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के 1535 थानों में ख्वातीन हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा कि बेटियों और बहनों के तहफ्फुज़ के साथ उनको खुद मुनहसर बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। मिशन शक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी महकमे की मिली जुली कोशिशों से ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसके नतायज जल्द ही सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अवामी ताउन जरूरी है। शारदीय नवरात्रि की प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि से हम लोगों ने मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रखकर के प्रारंभ किया। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में पानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। लोगों ने एक नई दृष्टि देनी प्रारंभ की है।
तो पिछले 6-7 महीनों से जिन न्यायालयों में कार्य की गति बहुत मंद हो चुकी थी, मैं पिछले आज के समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि अनेक जनपदों में महिला संबंधी अपराध या बालिकाओं से संबंधित अपराध में कहीं मृत्युदंड, कहीं पर आजीवन कारावास की सजा या कहीं पर कोई अन्य कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी हर एक पक्ष में हमने फील्ड में भी अभियान चलाया है, हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने प्रोसिक्यूशन को भी तेज करते हुए समाज से सभ्य समाज के लिए खतरा बने हुए लोगों के लिए भी न्यायालय में कानून के माध्यम से जो सजा हो सकती है उस सजा का भी प्रावधान करने का कार्य इसके माध्यम से किया है। और इस देश से आज का ये अभिनव कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। बिहार में पोलिंग की तारीख नजदीक आते आते इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार के सासाराम में पहली इंतखाबी रैली को खिताब किया। बिहार के लोगों की सताइश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिहार रियासत भारत का वकार है। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। उत्तर प्रदेश के सरकारी सानवी स्कूलों में एलटी ग्रेड के 9 मुंतखब 3,317 टीचरों को आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तकरारी नामे तकसीम किए। आज लखनऊ में मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर आला ने 5 टीचरों को अलामती तौर पर तकरारी नामे दिए, जबकि बाकी सभी टीचरों को ऑनलाइन तकरारी नामे जारी किए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जब टीचरों को ऑनलाइन तकरारी नामा दिया जा रहा है तो उन्हें मेरिट और दिए गए मुतबादल के बुनियाद पर स्कूल भी अलॉट किया गया है, साथ ही इसके लिए माजूर अफराद को तरजीह दी गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने गुज़िश्ता 3 साल में 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और इन तकरारियों में पूरी ईमानदारी और शफाफियत का ध्यान रखा गया है। आज 3,317 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया उसी पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बहुत सुना होगा। 2014-15 में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम कुछ अन्य कारणों से जाना जाता था, लेकिन आज पिछले 3 वर्ष के दौरान निरंतर सुधार करते 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 आज आप देख सकते हैं कि हर छात्र एक विश्वास के साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है, हमारे माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की या बेसिक शिक्षा या पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया के साथ पूरा विश्वास कर रहा है। हर एक युवा पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो या किसी भी शासकीय भर्ती हो, उसकी योग्यता के अनुसार उसे स्थान प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का चयन हो रहा है। 3 लाख की भर्ती जो पहले चरण में हमारी संपन्न हो चुकी है, इस सफलतापूर्वक शासन के विभिन्न विभागों में अपना योगदान दे रहे हैं। और इधर हम लोगों ने फिर से जो प्रारंभ किया है 31,227 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन के बाद आज 3,317 सहायक अध्यापक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी सफलतापूर्वक आज यहाँ पर ये नियुक्ति पत्र हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा अपने अपने जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। नवरात्र के मुकद्दस मौके पर इन दिनों रियासत भर में रामलीलाओं और देवी पूजन पंडालों में प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है।
लखनऊ में ऐशबाग की मशहूर रामलीला इस बार कोविड 19 के जाब्तों के तहत जरूरी एहतियात के साथ मुनक्किद की जा रही है। रामलीला में भगवान राम की जिंदगी की लीलाओं को दिखाने के साथ ही सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए हैं, जिसमें लड़कियों दोशीजाओं ने दिलकश मुजाहरे से नाजरीन का दिल मोह लिया। प्रोग्राम के मुंतजिम ने बताया कि ऑनलाइन से मुल्क और दुनिया भर में रामलीला को देखा जा सकता है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण समिति ने निर्णय लिया कि हम अपनी रामलीला का मंचन ऑनलाइन प्रसारित करेंगे, जिसमें हमारे माध्यम हैं फेसबुक और हमारी वेबसाइट है www.ashbagramleela.org। इस पर बहुत अच्छी क्वालिटी की रामलीला देखने को मिलेगी। फेसबुक पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी की रामलीला सबको देखने को मिलेगी। सभी दर्शक हमारे यहाँ इस समय प्रांगण में नहीं आ पाएंगे, तो उनकी सुविधा के लिए ये दोनों उचित माध्यम हैं, इनके द्वारा आप यहाँ के मंचन की लीलाएं देखें। अयोध्या में इन दिनों फिल्मी अदाकारों के जरिए रामलीला का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसे दूरदर्शन के जरिए मुल्क और दुनिया भर में नशर किया जा रहा है। रामलीला की नशियात अयोध्या के मुख्तलिफ मकामात पर भी बड़े टीवी स्क्रीन लगाकर किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए अकीदतमंद और नाजरीन बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं। घरों में भी टीवी पर रामलीला देखकर लोग खुश हो रहे हैं। यह संक्रमण काल है, लोगों के व्यवहार बदले हैं, लोगों के त्योहार बदले हैं, लेकिन नहीं बदली है तो लोगों की राम के प्रति आस्था। और यह आस्था अब वर्चुअल रूप से जब लोगों के घरों में पहुंच रही है, दूरदर्शन के माध्यम से पहुंच रही है, तो किस तरह के से लोगों से की सामान्य जिंदगी जो शाम सायंकालीन होती थी, किस तरह परिवर्तन आया है, यही बात जानने के लिए आज हम कई घरों में जा रहे हैं और बात करते हैं। जो हमारे यहाँ जो रामलीला हो रही है अयोध्या में, इसका मंचन किया जा रहा है, ये हम लोग को बहुत ही पसंद आ रहा है और बहुत ही लोकप्रिय है हम लोगों के लिए, क्योंकि राम जी का चरित्र का वर्णन इसमें किया जा रहा है। और इसलिए हम लोग जो हैं 7 बजे से पहले ही खाना बना करके, भोजन बना करके, और हम लोग बैठ जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा मंचन किया गया है। और देश विदेश से कलाकार भी आए हुए हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत ही मनोरंजन, बहुत ही लोकप्रिय लग रहा है। खाना पीना बना के बेसब्री से इंतज़ार करते हैं 7 बजने का देखने के लिए भगवान की रामलीला। अच्छा संयोग है कि रामलीला अयोध्या में हो रही है और मंचन जो है बाहरी कलाकार कर रहे हैं और घर में बैठ के रामलीला देख रहे हैं। जो रामायण के संदेश हैं वो घर घर तक बिना लोगों के जाए भी पहुंच रहे हैं। इस समय कोरोना काल है, इस समय लोग जो है देखने नहीं जा पा रहे रामायण, लेकिन उनको ये सुविधा अगर दूरदर्शन के माध्यम से मिली है कि वो घर बैठे देख सके, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो दूरदर्शन द्वारा किया जा रहा है। ये एक पहल है, सार्थक पहल है, राम के चरित्र को घर घर तक पहुंचाना और हर आयु वर्ग के लिए जो है राम के उच्च आदर्शों से प्रेरित करना, ये कहीं ना कहीं हमारे विघटित समाज को संगठित करने में, कहीं कहीं चरित्र को बल प्रदान करने में मजबूती जरूर देगा। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़ अयोध्या। नवरात्र के मौके पर रियासत भर में मंदिरों, शक्तिपीठों और मठों में पूजा अर्चना के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। लखनऊ में मशहूर शक्तिपीठ चंद्रिका देवी के मंदिर में कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अकीदतमंदों ने देवी जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। अकीदतमंदों ने बताया कि कोरोना वबा को देखते हुए पूजा अर्चना के साथ साथ एहतियात बरतना भी जरूरी है। देवी जी को इस मौके पर फूल और नारियल चढ़ाकर उनकी आराधना की गई।
दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, बहुत अच्छे से पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, फीमेल कॉन्स्टेबल्स भी हैं, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन हो रहा है, सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, टेम्परेचर चेक सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, आप नीचे कैमरा करके सर्कल्स दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से हैं, सिस्टमैटिक वे में अरेंज हैं। तो 2 गज की दूरी यहाँ पे पूरी तरह से उसका पालन किया जा रहा है, किसी भी तरह की जो भी गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जो निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन और मेला विकास समिति दोनों मिलकर के जो सरकार की गाइडलाइन है हम लोग उसको बहुत सख्ती से पालन करवा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज कराते हैं और उसके बाद मास्क और उचित दूरी बनवाते हुए महामाई का दर्शन कराते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में पहली बार 53वां वर्चुअल जज़ तकसीम असनाद का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी IBM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अरविंद कृष्ण थे और सदारत के फराइज IIT कानपुर के सदर डॉक्टर राधा कृष्णन ने किए कोपिल ने अदा किए। जिस जलसे तकसीम असनाद में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के तलबा को नवाजा गया और तकरीबन 100 तमगे तकसीम किए गए। वहीं पहली बार 28 जहीन तलबा को PhD थीसिस इनाम भी दिया गया। इनामात हासिल करने वालों में मैथमेटिक्स और आदाद व शुमार के महकमे के 2 मेम्बरान भी शामिल थे। IIT के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करिंदकर ने सभी तलबा तालबात को मुबारकबाद देते हुए उनके ताबनाक मुस्तकबिल की तमन्ना की। COVID-19 महामारी के चलते दुर्भाग्यवश यह दीक्षांत समारोह हमको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर करना पड़ रहा है और हमें इस बात का दुख है कि हम छात्रों और उनके परिवारजनों को आज अपने कैंपस में शामिल नहीं करवा रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह में 2008 डिग्रीज दी जाने वाली हैं। इसके अलावा कई छात्र छात्राओं को मेडल्स और प्राइजेस भी दिए जाएंगे। इस बार हमने जो छात्र PhD लेने वाले हैं उनके लिए भी एक अवार्ड्स शामिल किए हैं और इस बार 28 आउटस्टैंडिंग PhD थीसिस अवार्ड पहली बार दिए जा रहे हैं। हरदोई में आज धान खरीद मराकिस की अचानक जांच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़रात देवेश चतुर्वेदी ने किया। उन्होंने गौसगंज, संडीला, माधवगंज और हरदोई मंडियों में धान खरीदारी में किसानों को हो रही परेशानियों के बारे में इंतजामी अफसरान की सरजनिश की। उन्होंने कहा कि किसानों का धान बगैर किसी बेजाब्तगी के खरीदा जाना चाहिए। उन्होंने मंडी में बेजाब्तगियों के लिए मंडी सेक्रेटरी के खिलाफ एडवर्स एंट्री का हुक्म भी दिया। एक मरकज के इंचार्ज समेत 2 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया कि हरदोई के एक बिचौलिए और एक दीगर शख्स के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने किसान के धान का MSP पर हर हाल में खरीदने का हुक्म दिया है। हमारा धान समर्थन मूल्य पे खरीदा जा रहा है और अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है और अच्छे काम यहाँ पे हम आ रहे हैं और शाहबाद के हम रहने वाले हैं। जो आई है खरीद हो रही है लेकिन इसमें गति देने की आवश्यकता है क्योंकि धान की फसल इस बार अच्छी हुई है और उस अच्छी फसल की वजह से और क्योंकि मार्केट बाहर का जो है वो नीचे चल रहा है तो हमारा ये प्रयास है कि कम से कम धान जो है आढ़तियों को मिले और ख़ासतौर पर जो 1000-1200 के दर पर देने की बात ना आए और हम लोग यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार पूरा 1868 रुपये जो MSP है उस पर पूरी खरीद हो उनको हमने हिदायत दी है और ये भी कहा है कि एक या दो कम से कम 2 केंद्र अलग ही कर दें जो छोटे किसान जो 25-30 क्विंटल लाते हैं उनको लाइन अलग से लगने की वजह से ना लगे उनको अलग से केंद्र बना दें 2 कम से कम जो वहाँ पर वो आएँ और दे के चले जाएँ। कौशाम्बी जिले के किसानों को धान की वाजिब कीमत मिले इसके लिए सरकार ने 55,000 मैट्रिक टन धान खरीद का निशाना मुकर्रर किया है। इसके लिए 31 धान खरीद मराकिस खोले गए। नवंबर से धान की खरीद शुरू होनी थी लेकिन धान की फसल तैयार होने और किसानों की सहूलत के लिए 15 अक्टूबर से ही धान खरीदने का बंदोबस्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर 15 अक्टूबर से सभी मराकिस में धान की खरीद शुरू हो गई है। मंडी समिति भरवारी के मंडी इंस्पेक्टर आनंद उपाध्याय ने बताया कि इस साल किसानों से क्विंटल 1868 रुपए के हिसाब से धान की खरीद की जा रही है। इस साल भरवारी मरकज का निशाना 20,000 क्विंटल रखा गया है। निशाने के मुकाबले में अब तक 300 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों को धान खरीद मराकिस पर किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है।
ये योगी जी की हमारे बहुत अच्छी नीयत है और कि हम लोगों को माने इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है, क्योंकि व्यापारी के पास जाते हैं तो वो कहीं 1200 कहीं 1100 कहीं 1300 इस तरह खरीद मांगते हैं। हम लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं, धान जो पैदा करते हैं बड़ी मेहनत से कमाई होती है धान की या गेहूँ की। किसान बहुत परेशान रहता है, तो जब से ये सरकार माने लागू कर दिया है हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट होती है और अच्छी खेती होती है। जैसा आप देख रहे हैं खेत पर धान की खरीद शुरू भी हो गई है, इस हेतु किसानों के लिए उनको मौके पर ही टोकन जनरेट करने की सुविधा है, ऑनलाइन सब कुछ है और आए अपना धान बेचें क्षेत्र के जितने भी किसान हैं कमाएँ। और पिछले वर्ष जिन किसानों से खरीद हुई थी उन किसानों से भी संपर्क किया जा रहा है और उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक लोग आएँ यहाँ और अपना धान बेचें। वजीर आला की हिदायत के मुताबिक लखनऊ के देही थानों में भी मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। लखनऊ में मलियाबाद की ब्लॉक प्रमुख निशा सिंह चौहान ने मलियाबाद पुलिस थाने में महिला डेस्क का आगाज किया। मलियाबाद के पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए महिला हेल्प डेस्क में कोरोना को देखते हुए सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए खवातीन और तालबात के लिए 2 खातून सिपाहियों का तकर्र हर थाने में किया गया। खवातीन की ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करके तेजी से पर्ची भी दी जा रही है जिसमें मुतल्लिका पुलिस जांच अफसर का मोबाइल नंबर भी दर्ज होता है। इस नंबर पर खवातीन कॉल करके पुलिस जांच अफसर के लोकेशन का पता कर सकती हैं। ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सभी थानों में एक स्वागत कक्ष, आगंतुक कक्ष बना है, स्वागत कक्ष, जिसमें स्पेशली महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। ये लखनऊ ग्रामीण के सभी 5 थानों में इसका आज उद्घाटन किया गया है और वहाँ पर ये भी नियम बनाया गया है कि CCTV कैमरे से युक्त होगा, यानी हमेशा आपको 2 महिला आरक्षी, 1 दिवसा अधिकारी उपलब्ध मिलेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, उनकी समस्या का वो ऑनलाइन दर्ज करेंगे और उसके बाद तत्काल जांच के लिए सब इंस्पेक्टर को नियुक्त कर दिया जाएगा। एक रिसीविंग पर्ची भी दी जाएगी हमारे जो भी कंप्लेंट आएंगे, जो भी फरियादी आएंगे, और उससे वो उस पर उनका नंबर होगा, कौन सब इंस्पेक्टर जांच करने जाएगा, उप निरीक्षक जाँच करने जाएगा, वो उससे बात भी कर सकते हैं कि कहाँ पर हैं, क्यों नहीं आए अभी तक, और इस तरह की जो भी उनकी समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा। वजीर आला के जरिए शुरू की गई मिशन शक्ति मुहिम के तहत मेरठ सदर थाने समेत मेरठ रेंज के सभी थानों में महिला डेस्क शुरू की गई है। राज्यसभा के रुकन कांता कदम ने कहा कि पूरी रियासत में महिला हेल्प डेस्क बनाना वजीर आला का एक बहुत काबिले सताइश कदम है। उन्होंने कहा कि इससे कबल की सरकारों में खवातीन को इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी योगी सरकार में मिल रही है और सभी खवातीन अपने को महफूज महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क का क्याम एक अच्छी पहल है। अब जो हमारे लिए लेडीज बैठी हैं यहाँ पर, जो बात करने के लिए हमसे, हम खुलकर बात कर सकते हैं हर चीज में, हम अपनी समस्या आराम से बता सकते हैं यहाँ बैठकर, और यहाँ पर अच्छी ही देखभाल हो रही है, सब थाने आते ही फौरन सुनवाई भी हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़िया है यहाँ पर। इससे पहले तो मैं आई नहीं हूँ, पर हाँ इसकी वजह से मेरे को ना बहुत हौसला मिला है कि ताकि मैं यहाँ मेरी सुनवाई हो सके। योगी जी से यही उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये जो मिशन शक्ति जो उन्होंने ये चालू किया है ताकि लेडीज़ों को, महिलाओं को, उनको सम्मान मिले और उनको ज़्यादातर उनको वो सेफ हो। ये जो रेप वगैरह, मारपीट, छेड़छाड़, ये घरों में अत्याचार होते हैं, ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। कितने धार्मिक हैं और इन चीज़ों को कितना मानते हैं। आज ऐसे नवरात्रियों के समय में आज जो है उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने का भी जो काम किया है, जो महिला हेल्प जो ये शुरू करी है, ये लाइन जो शुरू की है, ये अभी देखिए यहाँ पर भी देखिए कितनी व्यवस्था है। ये परसों ही कार्यक्रम ये आया है
और परसों से भी कितनी तैयारी इन लोगों ने करी है। आप लोगों ने अंदर भी देखा है कि महिलाओं की सुनवाई के लिए हर तरह से यहाँ इंतजाम करे गए हैं। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी महिलाओं की सुनवाई के लिए है एक अलग से मतलब वहाँ महिला हेल्प जो डेस्क बनाया गया है, जिससे कि महिला आए और वहाँ बैठने की भी सुविधा है और उनकी सुनवाई है और उनका जो मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस है, वो भी कंप्यूटर में जो उनके पास में रहेगा ही, तो हर तरह की हर प्रकार की उनकी जो है परेशानियाँ होती हैं तो उनको सुरक्षा देने के लिए है आज जो है इस ऑनलाइन का जो है आज उन्होंने हम लोगों को सबको इनको बताया है, आज उद्घाटन किया है। शुरू हुए तभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं उससे ये पूरा विश्वास पैदा होता है कि अब हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां ये आश्वस्त अनुभव करेंगी तथा जो शरारती लोग हैं, छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, उनके मन के अंदर भय निर्माण होगा। खवातीन को बाख्तियार बनाने की मुहिम के तहत चलाए जा रहे मिशन शक्ति की हौसला अफजाई के लिए सोनभद्र के हर थाने में आज महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। इस मौके पर खवातीन के बाख्तियार बनाने के सिलसिले मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस प्रोग्राम में पुलिस अफसरान के जरिए तालबात और खवातीन को बेदार करते हुए उन्हें खवातीन की मदद से जुड़ी सभी हेल्प लाइनों की जानकारी दी गई और उन्हें खुद मुनहसर होने की भी तरगीब दी गई। 54 थाने मुनक्किद प्रोग्राम में खवातीन को अपनी खुद की हिफाजत के लिए टिप्स दिए गए और खुद मुनहसर बनने की तरगीब दी गई। देही इलाकों में चल रही बेदारी मुहिम में खातून पुलिस अफसर शिवानी मिश्र ने बताया कि खवातीन को बेदार करने से वो खुद मुनहसर हो सकेंगी। जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हम लोग अपने आप समझ जाएंगे कि लड़कियों का होना हमारे समाज में कितना अच्छा है। पुनीता है और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि यहाँ पे हम लड़कियाँ अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे आकर बहुत सारी जानकारियाँ ली कि हेल्पलाइन नंबर लड़कियों के लिए क्या क्या जारी हैं और बहुत सारी चीज़ें की जानकारी ली। हमें यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि खुद की अपनी सुरक्षा कैसे खुद से कर सकते हैं। जो राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके तहत हम लोग यहाँ पर महिलाओं और बेटियों को सब और पुरुषार्थ और पुरुषों को भी जागरूक करने आए हैं कि हमें कैसे इनको हमें आगे बढ़ना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर के महिलाओं को पुरुष के साथ इस समाज को आगे बढ़ाना। और अब बात अपने तहफ्फुज की, COVID-19 से बचाव की और DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की, देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी COVID-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। DD न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासत में मिशन शक्ति अभियान के तहत 1535 थानों महिला हेल्प डेस्क की हुई शुरुआत। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत की बेटियों और बहनों के तहफ्फुज के साथ उन्हें खुद मुनहसर बनाने पर भी दी जाएगी तवज्जो।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में इंतखाबी रैली से किया खिताब, कहा भारत का वक़ार है, तरक्की की तरफ तेजी से बढ़ रहे बिहार को कोई नहीं कहेगा बीमार रियासत। सरकारी सानवी स्कूलों में एलटी ग्रेड के 9 मुंतखब 3,317 टीचरों को ऑनलाइन दिया गया तकरारी नामा, मुतबादिल की बुनियाद पर स्कूलों का किया गया अलॉटमेंट। और नवरात्र के मुकद्दस मौके पर रियासत भर में रामलीला और देवी पूजन पंडालों मुनक्किद किए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्राम, कोविड-19 के जाब्तों पर भी किया जा रहा है अमल। इसी के साथ खबरें खत्म, इजाजत दीजिए, आदाब।